आबद्ध नभए पनि 43 सालदेखि चाहिँ जनवर्गीय संगठन विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुँदै पछि केही समय अब रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर थिएँ। त्यसपछि अब 53 सालदेखि सक्रिय राजनीतिक सुरु भए। पार्टीले मोर्चामा 54 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पठाउँदा गाविसको अध्यक्षको हैसियतमा रही पार्टीको काम गरिआएको, हालसम्म पनि विभिन्न कमिटीमा जनवर्गीय संगठन भन्नुपर्दा युवा सङ्घको जिल्ला उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय कमिटी सदस्य, बिचमा नगर कमिटीले मनोनित गरी उपमहानगर कमिटीको सदस्यमा, हाल चाहिँ कुनै कमिटीमा रहेको छैन। तर पनि पार्टीको काम निरन्तर रूपले गरिआएको छ। हाल म अहिले यति नै भन्न चाहन्छु। मेरो नाम शङ्करलाल चौधरी, अब भर्ती धरी चौधो भनिहाल्यो। साबिकमा 1-8 पश्चिम टोल्लो हुने परिवर्तित 15 र हाल चाहिँ 14। अब मेरो सुरुका दिन पार्टी जीवनको कुरा इतिहास भन्नुपर्दाखेरि मेरो समयमा यस्तो बहुदलको अवस्था थिएन। म क्याम्पस पढ्दाखेरि सायद मलाई याद छ सोभियुको चुनावमा मैले मतदान गरेको छु। त्यतिखेर मेरो दिमागमा यो राजनीति भन्ने शब्द के हो कसो हो केही थाहा थिएन। अनि क्याम्पसमा किन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्थ्यो। अब त्यहाँ एउटा साइनबोर्ड देखेँ, एउटा अफिसको त्यो साइनबोर्डमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेर, यो विद्यार्थी युनियनले के गर्ने होला, आफूलाई त्यो चासो पनि भएन। नभन्दै चुनाव आउँदाखेरि मैले एकजना साथी, हामी दुईजना एउटै डेरामा बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूकै टोल छिमेकका मान्छे हुन् सन्तन चौधरी, उहाँसँगै डेरामा बसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यतिखेर विजय गजदार त्यो सोभियुको अध्यक्षमा उठ्नुभएको रहेछ। अनि चन्दन चौधरीको फेरि बानी एउटा, सायद मभन्दा उहाँ जेठो हुनुपर्ने, उहाँले मलाई नै दाजु भन्ने, म पनि उहाँलाई दाजु भन्ने, दोहोरो भाइ कसैले पनि नभन्ने, दाजु यापन थारु जेत छिए विजय गजदार एकरा भोट दिए पर्दै भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यहाँ उम्मेदवारको प्यानल हेर्दाखेरि 13 प्रगतिशील विद्यार्थी भनेर थियो भनेदेखि, अर्को 13 त्यो प्रजातान्त्रिक के भनेर मैले त्यति याद गरिनँ। विजय गजदारलाई चाहिँ मैले पहिलो भोट, अध्यक्षको भोट थारू भएको नाताल र यो के अरे रुमका पार्टनर कोही त्यो दबाब पनि नभनौँ, मलाई त्यो चासो पनि थिएन। उहाँको भनाइले एउटा उहाँको सिफारिसमा मैले एउटा भोट चाहिँ विजय गजदारलाई, बाँकी भोट सबै प्रगतिशील विद्यार्थी नामले मलाई प्रभावित पारो र मैले त्यो निर्वाचनमा अरू प्रगतिशील खेमालाई सबैलाई भोट दिएँ। अनि त्यहाँबाट पढाइसकेर आएपछि त्यो पञ्चायती व्यवस्था थियो। 47 सालको आन्दोलनमा आन्दोलन सफल भइसकेपछि पार्टीहरूको उदय भयो भनौँ न, हुँदै त तुफान भन्दा पनि अगाडि नै थियो भूमिगत रूपमा। तर अब पार्टी बाहिर आएपछि तत्कालीन मार्क्सवादी मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भएको पार्टीमा आबद्ध भएँ र तुरन्तै सायद 1-1.5 वर्षको अन्तरालमा माले र मार्क्सवादी एकीकृत भएपछि एमाले भयो। अनि मार्क्सवादीको 1-1.5 वर्षको दौरानमा जुन अवधि थियो त्यो बिचमा मैले एकमा गाउँ कमिटी, पार्टीको एकमा गाउँ कमिटीको सचिवको पद सम्हाले र यो एकीकृत भइसकेपछि निरन्तर सायद मलाई लाग्दछ 20 वर्षैसम्म होला, एमाले भइसकेपछि 20 वर्ष जति हुनुपर्छ मैले एकमा गाउँ कमिटीको सचिव पद नै सम्हालेर, त्यतिखेरको अवस्थामा सचिव भन्नाले कमिटीको मुख्य मान्छे, पछि अध्यक्ष प्रणाली जब आयो
एक अवधि अध्यक्ष पनि भए र लामो समय सम्म मैले जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि अब कति गर्नु साथीभाइहरु तपाईहरु अब सम्हाल्नुस् भनेर त्यसपछिका हाम्रा कमरेड बद्री प्रसाद चौधरी पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो त्यहाँ देखि अब गाउँ कमिटीबाट फुर्त पाए तर अहिले चाहिँ अब दुई नम्बर क्षेत्रीय कमिटी म छँदै छु क्षेत्रीय कमिटीको पनि अधिवेशन अब त्यो चुनावपछि नै होला अहिले जिल्लाले रोकेको छ नभए त यही चैत्रमा शान्तभित्र नै सायद हुनु पर्थ्यो यो पार्टी जीवन मेरो यतिसम्म चाहिँ रहेको छ यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार हमर नाम शङ्कर पासवान छ पासवान कनिक दलितो में पढ़ै छै एहिठाम नेकपा एमाले के संगठन के विचार रखनी जे भए रहल छै ओ संगठन के वातावरण में हमें 18 वर्ष के उम्र में 2034 साल माघ गते त आब नै कहूँ माघ में प्रवेश भेलिए तर भर्खरे हमरा ओ पहिले त लियोन गिरके आने वाला आदत छलै कनिया गिलाबे तै समय में हमरा के ई माले मा के हैसियत में रही ए माले नै झलै त माले मा झलै जेकरा मुड़कटवा दल भी तक ने कही छलै ओहि में छलिए जे कि हमें और एक भुवनेश्वर कमरेड अपना गुजर गेलै ओ हमें मदन भंडारी के 12 बजे रात में खनार पुगा गेलिए तो तखने खनार में एक चिया के पोसल छलै ओ कटेल कटेल कही छलै ओ पोसल छलै और कुछो नै छलै ओ चौक में अन्हारे में छलै हमरा आरके तखनकर अखने त अनुशासनहीन हमरा आरके खुद चलै छियै 10 बजे के कहने रहै अखने 1 बजे में शुरू भेलै तखने नै 2 सेकेंड अगर देरी भेलै त बहुते चेक जाँच हेबै ओकर ई हमर शत्रु निकललै या पार्टी के आदमी छियै तेहन कंडीशन में हमरा आरके तखने चलै पड़लै 7 बजे कहलकै ठके 7 बजे में ठाउँ में पुगना छै नै त ओ पार्टी के शत्रु भेले ओकरा ठाउँ से हटा दे त हटाबेल कि ओकरा साफे जना खत्मे करल मुटकटवे रहे ओहि ढंग से और संगठन के हिसाब में हम अखने 36 साल में हम मधेसा में एकटा किसान संगठन से संगठन में लागली किसान संगठन में एलिए आबते आबते 59 में हमें गाँव घर के मोही किसान के संगठन में हमें राम सेवक जी पड़लिए आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने माग करैत सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्ने माग करैत इलामसँ लागे बुटवल तक हम पैदल मार्चमे भी चलल छी और सातो दलमे 63 छो गतेसँ सातो दलमे धरना दए करके ओकरो प्रमाण छै हमर सङ्गमे हरेक सुकुम्बासीके प्रमाण होना चाही सरकारमे सब दलमे धरना दए के और बलुआटाँडमे भी हमरा आरके धरना दए के हम बलुआटाँडमे भी 5 मिनट से कम बोले के मौका भी पेलिए हम नेकपा एमाले में आबि के हम एतेक तक काम केलिए जे अखनी 50 जिला घुमलिए तो हमरा पैसा नहीं लागल छै संघ संस्था से हम ओते पुगल छी अखनियो कृषि के सवाल में छोटा गाविस के अगुआ कृषक के अध्यक्ष छिए अखने भी सब गाविस अखने बढ़िया मान रहल छै और पहाड़ी मधेसी थारू पासवान छिए के दलित में कोनो भेदभाव सबके नमस्कार हमर नाम भेलै बद्री प्रसाद चौधरी घर चाहिँ या एकम इटारी 14 कमिटी के हक में कहे के लागि हमर कमरेड मतलब शंकरलाल चौधरी जे कहल के शंकरलाल पासवान नहीं शंकरलाल चौधरी जे कहल के ओकर पश्चात अध्यक्ष एक कमा गांव कमेटी के चाहे एक कमा में रहूं जल तक चाहे अध्यक्ष में हम छे और सांस्कृतिक मंच के बारे में एक रीति हमार दीपो भाई गप निकाल के तो सांस्कृतिक मंच में हम करीब 10 वर्ष से हम उपाध्यक्ष पद में रहिए और 4 वर्ष चाहे सांस्कृतिक मंच जिला के सुनसर जिला के अध्यक्ष 4 वर्ष रहिए तखनी हमारे बिरामी कारण से हम चाहे रिजाइन दिलिए और एक गप आयकर जो अध्यक्षता ग्रहण जो करने से भूमि नारायण चौधरी अहाँ सबके समक्ष में कहल के
जे संगठित सदस्य बहुत अगाड़ी लेने छे ओकर बनाए एकदम जाइत छे तखन कर माहौल में युवा में मतलब भरखर के छौरा में एक भूमि नारायण चौधरी एक हम छलिए एक स्वर्गीय कंतलाल चौधरी स्वर्गीय सत्यनारायण चौधरी कते करल के मतलब ओकर जे कराई छे कथी कहै छै तेरी शपथ ग्रहण तीन नंबर में मदली तीन नंबर में ओते करल के तखन कर अवस्था में भरखर के छौरा ल परिचय गर्नु पर्छ कहल के हे भगवान परिचय केकरा कहै छै आप त मतलब वास्तव में की करू नै करू कहै के शुरू में त परिचय के अर्थे न बुझलिए जब आदमी सब जब शुरू करल के परिचय ए हे एकरा कहै छै परिचय तखन कर माहौल में कहबे न तो वास्तव में संगठित सदस्य भेलिए तखन ना हमारे गाँव के चेतना के चिन्हगी कह के नाटक करे मतलब हारू में तखन ना साला चुतिया जमींदार डीमा मरुआ खा के मटा गलो सार कह के कंतलाल चौधरी रहे बेचारा स्वर्गवास भै गए तखन करे माहौल में सेरो फेरो में हमें ऊँचाई संगठित सदस्य भेल छी एखन ना कहबे तो एखन पेशा हम पार्वती निवारी के प्रत छी और कहल तो ऐसे बेसी कतनो कहबे तो वह हेतु एक चाहे बिरामी छी नमस्कार हमार नाम हेमलाल चौधरी हम संगठित सदस्य छी अखनी कमेटी के हक में सदस्य ना वार्ड के संभाल में भी है 34 साल में 34 साल इसके बाद जन्म संग्रह 36 में आयो 36 में त्यति बेला हामीहरु नबुझ्ने 36 में जन्म संग्रह गराउने हामी नै हामीहरुकै इटरी गाउँ पलिका थियो त्यसपछि हामी सानैदेखि मेरो घरमा मलेछी चौधरी आएर मेरो बुवासँग मेरो काकासँग हेलमेल गर्दा कम्युनिस्टको बाटो त्यति बेला कम्युनिस्ट भनेपछि ठ्याङ्गै गोली हान्ने अनि त्यति बेला नै हाम्रो बुवाहरू भन्दै थियो त्यसमा नलाग मारिदिन्छ भनेर हामी त चुप्प लागेको छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यति बेलादेखि नै यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त बोकेर हामी गाउँ गाउँ आफ्नो गाउँमा सबै केटाहरूलाई भनेर हाम्रो एउटा भाइ टनीलाल भन्ने छ त्यसकै घरमा हाम्रो जमात हुने थियो अनि त्यसकै घरमा हामी जमात भएर यो कम्युनिस्टको हामी झोला त्यति बेला नै टाँग्यौँ त्यसपछि हामी आउँदै आउँदै 54 सालको निर्वाचनमा फेरि मैले नि 9 नम्बर वार्डमा सदस्यकोमा आएँ 54 सदस्यकोमा आएँ त्यहाँ भने हामी 5 वर्षसम्म त्यहाँ चलाएँ फेरि आफ्नो जति हाम्रो 9 नम्बर वार्डमा अहिलेसम्म कसैले हाम्रो एमालेलाई 2-3 चुनाव भयो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो 9 नम्बरमा अरू कोही हात हाल्नु भएको छैन एकलती एक छप्पा हाम्रो एमालेको मत त्यहाँ जान्छ त्यति दिनदेखि हामी नै आफ्नो लागेको अहिलेसम्म मैले क्षेत्रीय कमिटीमा पनि जितेर अनि त्यसपछि मैले के भने अब म बुढेसकाल पनि हुँदै जान्छु अनि क्षेत्रीय कमिटीमा अनि फेरि मैले आफ्नो साथी जीवा सरलाई पनि ल यसपालि तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर मैले जीवा सरलाई पनि जिताएँ त्यसपछि राजकुमार मरिहाल्यो अहिले अनि त्यो धरानमा त्यो भन्दै थियो मामा के गर्ने म पनि जिल्लामा जाउँ जाउँ जस्तो म जित्छु कि जित्दैन मैले उसलाई एकदम आँट दिएँ तिमी नमिनेसन गर नजिते भने म पार्टी प्रतित्याग गरिदिन्छु भनेर उसलाई मैले ठोकुवा जवाब दिएँ बेचारा त्यसले पनि उहाँ पार्टीको जिल्लाको नमिनेसन गरेर म आफ्नो साथीहरूलाई सबै साथीको मैले भनेर ल है यो जाति सरदार होइन
यो राजकुमार होइन यो जहादी सरदार हो भनेर यसलाई जसरी भयो भने मलाई तपाईँहरू जिताइदिनु भनेर मैले आफ्नो सङ्घ साथीलाई सबैलाई भनिरहेको छु। अनि त्यसपछि मेरो राजकुमार पनि धाँ जिल्लामा आयो अनि त्यसपछि आफ्नो गाउँघरमा अहिले बुढेसकालमा पनि त्यति नै मेरो दौडधुप छ, त्यति नै दौडधुप छ। न खाने नपिने, हामी पानी पिएर नुन खाएर हामी यस पार्टीमा जीवन बिताएको छौँ। 46 साल 47 सालको आन्दोलनमा हामी कति कुटाई खाएँ, कति हामी पिटाई खाएँ, त्यो पनि हामी खेपेर आजसम्म हामी आफ्नो भाइ भतिज आफ्नो 9 नम्बरको 1 लौटी 9 नम्बर भन्ने हाम्रो एमालेको जनसङ्ख्या अहिलेसम्म बटुलेर हामी राखेको छौँ। राजनीतिक पृष्ठभूमि त आफू त के भन्छ त यो भन्नै पर्छ यो राजनीति, तर भन्दाखेरिमा एकदम सर्टकट। नमस्कार सबके, हाम्रो नाम रामसेवक चौधरी छ। पहिने हाम्रा कहै छलै कि कहै छै कि बाप नै गाउँवाला सब शुभका शुभका, तऽ शुभकामना कथी लए राखल गेलै कहि करके तऽ बाप या बाबा मैया कहलकै, हम पुछलियै कि शुभकामना कथी राखलकै कि, तऽ पहिने हम देखैमे छोटकामे बहुत शुभ रहियै तऽ ओहिसँ गाउँवला सब शुभका शुभका नाउँ राखलकै, तऽ बीचमे फेर रामसेवक कथी लए नाउँ कि बदल गेलै, तऽ हमरा बाप की कहलकै, बाप तऽ पढ़ल लिखल नहिए रहै, कहलकै नहि हम एकरा रामसेवक नाउँ राखबै तऽ कोइ भी समाजमे मरबो करतै तैयो राम राम करतै, उठबो करतै, देखने भी करतै, राम कहतै, ओहि लागि से हमरा कि कहै छै बाप कहलकै तब तोहर नाम रामसेवक राखि देलियौ रे कहि करके, ओ हमर नामके मात्रे कहै छै हम। तब आब ओ हमर राजनीतिक जीवनके वाला बात कहै छियै हम। राजनीतिक जीवन वास्तवमे की छै कि हमरा सब एकटा गरीब परिवारके छियै, मतलब मध्यम तखने मध्यम रहियै, आब मध्यमसँ भए गेलियै कि गरीब, तर हम एतेक चीज केलियै अखने लोकसब सरवा पाबै छै हम बढ़ुआ भेलियै, किए ओकर तऽ हम पाछू फेर केना भेलै कि आब कहबै तऽ हम 2035 सालमे हमरा की केलकै छोड़ा सब सब जन मिल मिलके ओकरा अध्यक्ष बना देलकै, बना देलकै तऽ तखने हम की कहै छै निर्विरोधे अयलियै 35 सालमे। तकर बाद अयलियै तब सदस्य तऽ जितलियै तुरन्त या घुरन्त चौधरी रहै, तर ई हमरा ठाढ़ रहै कि चाइनामे कम्युनिस्ट छै ने, कम्युनिस्ट व्यवस्थामे बढ़िआँ होइ छै रे, उटा हमरा मात्र तक ने ज्ञान रहै कहि करके। तऽ हम की भेलै कि चुनाव जीतके अयलियै, चुनाव भेलै जीतके अयलियै, तकर 3 दिनके बादमे ओ हमरा पकड़के लए गेलै, किएक तऽ पहिले तऽ हमर बाप पुरखा तऽ पहिने ओहिठाम जिम्मेदारी नहि रहै ने, गहदार रहै ने, ताहि दुआरे से आब तऽ गहदार तऽ सब किछुके डेराबै छलै, तब ओकर बेटा तऽ की कहै छै कि आब वडा अध्यक्ष बनि गेलो, आ फेर बनलको इएह छौड़ा सब गाँववला सब अपन मनसे नहि बनलियो हम कहि करके, तऽ की बनबा तऽ नहि लागलो पढ़के ओ हमरा सब मार्क्सवादे समूह हमरा सब कोप केलको 35 सालमे कहि करके। आ तकर बाद तुरन्ते की भेलै आब ओ तऽ भेलियो, तकर बाद की भेलै कि लगते मालेके हमरा मालेके नर भाषामे शायद बहुतोके था छै की कहै छै कि अधिवेशन भेलै चौथो अधिवेशन की कथी भेलै हमरा जे कहलकै तखन तऽ हम नहि करै छलियै हमे की करके, तऽ की भेलै ओहि जगह हमरा द्वारपालमे राखलकै रहै, द्वारपाल हँ द्वारपाल ओकरा की कहै छै देखैला रातिके, किएक तऽ मरबो करतै रामचन्द्र पहिने मरतै पुलिस अयतै तऽ की करके, ताहि दुआरे ओहिठिन जतना भए कऽ तकर बाद आब एकाएक हम चलि जाइ छियै अपन कि आब खुला अवस्थामे, तखन भूमिगत अवस्थामे काम करै छलियै, तखने हमर नाम की कहै छै कि हमर किसान फाँटमे देने रहै की करके, तकर बाद तब आबिके खुला अवस्थामे 2046 साल बहुत दलके पश्चात आब खुला अवस्थामे भेलै, तखने की भेलै कि हम कृषि अखिल नेपाल किसान सङ्घमे कि जिलामे कार्यकारिणी सदस्य भेलके हमरा सबके की कहै छै कि सञ्चालन कयलियै, आबिके तखनसँ तऽ आब की भेलै कि आब माले आ मार्क्सवादीके पहिले शुरू रहै, तकर बाद एकीकृत भेलै, एकीकृत भए कऽ तकर बाद की भेलै क्षेत्र नम्बर 2 के सदस्य बनलियै, फेर 8 मे चलि पठा देलकै, फेर 2 मे बनेलकै, 2 मे जखने भेलै फेर ओ खनार 2 राखलकै, तखने की कहै छै कि 2 नम्बर क्षेत्रके सचिवो भी की चलेलियै, तकर बाद भए कऽ आब मोर्चा फाँटमे आब 54 सालमे हम
किसान के फाँट दोस बजे मैं लगा दिलिए, तब कृषि मजदूर के फाँट दिल्क 54 साल से कृषि मजदूर के फाँट में अखन तक। तो वह हम कहे लोग सब की कहे बढ़वा पाबे से हम सरुआ पैलिए किसान से फाँट आबिके हमारा कृषि मजदूर के फाँट में देखल तब देखते देखते हम अखन केंद्र में गलिए के करके अब हमारे तब अखने आब भनाई उतने रहें। फिर सबके लिए नमस्कार है हंसी बना हो म्याख्या कर दिन मैं हेन 24 साल में पार्टी को संपर्क कर 25 साल में तब को मनमोहन जी जेल बाट छुटे 2 चोटी वहाँ को भेटे उसे सीधे जिला कमिटी में पठा 26 साल में अस पच्छी झापा कांड भो धेरे साथी भूमिगत राखे अतिखे तो सुट बारे थे अनि मनमोहन जी ने के भन्यो गुरन्दी त्यो झपालीहरुको स्थान नदिनुस् कुनै भयो भने त्यो सुकार्दिनु अनि उले एउटा वक्तव्य दिनु हामीले गराको होइन नक्सलाइट गराको सबै साथीले जोगाए। त्यसपछि जिल्लामा आइन अनि सबै सलात सुलुत पार्टी भयो कुनै पार्टी थिएन अनि हामीहरु के गरे 3-4 जन मिलेर कोशी अंचल को रातो झंडा खोले ते कोशी अंचल को 32 साल में संगठन गए खोले 34 साल में संतलाल को घर में 2 राती बस तेसरो दिन संतलाल श्यामलाल को घर बाट सब साथी बिता अब ते पी फेरी 35-36 साल आए अब विराटनगर बोला त्या आंदोलन को नेतृत्व करें मनमोहन तो मेची महाकाली भरत दोन और साथी अलग चीफ भर बसे तेस पच्छी तो रातो झंडा को अंचल को भेला करें मो पुरानी पार्टी में फर्क बुझे झपाली साथी जेल बाट छुटे अनि मालेको पार्टीको निर्माण यो इतिहासको कुरा है संगठन कति गरे गरे त्यो भन्दिन। त्यसपछि कोशी अञ्चलमा अञ्चल कमिटी गए भन्नु नि फेरि तपाईको मालेको मदेलीमा केन्द्र कमिटीको बैठक भयो त्यहाँ म प्रवेशकमा बोलाए मेरो त किन खुला थियो अब मनमोहन को तो जन्मदत्ता पार्टी अभी सब मदन भंडारी बोलाए इतिहास इस 46 साल में तो झंडे लिये आए इतिहास न बोल ल मेरे ये गुरन चौधरी हौ मेरे नाम चक्रवर कार्की साबी किटरी 9 मा पर्छ घर नमुना टोल हो अब हाल त 14 भइहाल्यो। मेरो पार्टी जीवन 2047 सालदेखि सुरु गरे हो मैले मैले पार्टी पिएम चाहिँ 2051 सालमा लिएको हो र 2054 सालको स्थानीय निकायको चुनावमा पार्टीले टिकट दिएर चाहिँ परिषद सदस्यमा पनि मैले 5 वर्ष कार्यकाल बिताएको छु मेरो पर्छ यति न। नमस्कार मेरो नाम जमिला खातुन इटहरी चाहिँ नयाँ हाल चाहिँ 14 नम्बर भएको छ। हामी चाहिँ अब मुस्लिम समुदायको चाहिँ पहिले चाहिँ अब बुवाहरू चाहिँ काङ्ग्रेस थियो हामी चाहिँ अब एमालेले सकाउने 46 सालदेखि एमाले सकाउँदैछु अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कति मुसलमानले मलाई कति हेला गरो के गरो अहिले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ सबैले फेरि चाहिँ नमस्कार त्यो त कुरा त अब सबै छ थाहै छ। नमस्कार मेरो नाम चाहिँ टिका कुमारी हो घर इटहरी 9 नमुनाटोल अहिले हाल त 14 नम्बर म चाहिँ ओडा कमिटी को अध्यक्ष म 50 सालदेखि बस। नमस्कार मेरो नाम कानिकलाल चौधरी मिठड़ी 9 म टोल को ओडा कमिटी सदस्य अनि संगीत सदस्य पनि। सबलाई नमस्कार मेरो नाम आशा कुमार सरदार पेसा हिसाबले म शिक्षक
र संगठनको हिसाबले 2046 साल देखि संगठित र म प्रजातान्त्रिक राष्ट्र युवा संघ नेपालको नगर कमिटी तीन कार्यकाल नगर कमिटीमा काम गरेको त्यसपछि वार्ड कमिटीमा करिकरबी अब त मलाई यकिन छैन दुखी दाजु सचिव र म उपसचिव भएर धेरै कार्यकाल त्यहाँ वार्डमा काम गरेँ त्यसपछि आएर अहिले हाल तीन कार्यकाल भयो नगर कमिटी नेकपा एमाले इटाडी उपमहानगर कमिटीको म नगर कमिटी सदस्य र अब म धेरै यहाँ बोल्न चाहदिनँ बरु मेरो साटा उहाँलाई समय दिन्छु अहिले यति भन्नु नमस्कार जबदेखि हामी एमालेमा घुसेको छ नि सोर्वेदेखि घुसेको छ धेरै सङ्कट हाम्रो पार्यो हजुर सङ्कट पारियो यो सङ्कट खेप्दा खेप्दा कुनै पार्टीले हाम्रो पहल गरेको छैन अहिलेसम्म पहल गरेको छैन एमाले हाम्रो लागि कति पहल गरियो त्यो त हाम्रो सबै थाहा छ कि हाम्रो समाजहरूको सबै थाहा छ कति घटना भयो कति के भयो कुटपिट भयो हरेक भयो अनि कुनै पार्टीले हाम्रो सहयोग गरेन मेरो अहिले सहयोग गरिराखेको छ अहिलेसम्म ठिक छ नमस्कार सबैलाई मेरो नमस्कार मेरो नाम मिरा श्रेष्ठ इटेरी 9 कि 14 भन्नु टोलको पनि पार्टीको पनि सदस्य हो सबैलाई मेरो नमस्कार मेरो नाम पार्वती सरदार हो वडा नम्बर 9 प्रगति टोल म अनि मसँग नगर कमिटीको सदस्य नमस्कार हाम्रो नाम रमिता सरदार घर इटहरी 9 जनक टोल सबैलाई मेरो नाम मिना सरदार इटहरी 9 हाल 14 जनक टोल जनक टोलको अध्यक्ष सबैलाई नमस्कार है सबैलाई नमस्कार युवा नेता पुरा परिचय दिँदाखेरि बुवा दुखीलाल चौधरी आमा चन्दा देवी चौधरीको सुपुत्र म पशुपति चौधरी एकल पेसाको हिसाबले म एउटा शिक्षक हुँ र वडा कमिटीको सदस्य हुँ धन्यवाद सबैलाई नमस्कार मेरो नाम सन्तोष सरदार पेसाले शिक्षक र वडा कमिटीको सदस्य सबैलाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ सानी चौधरी मेरो घर इटहरी 9 हाल चाहिँ अहिले इटहरी 9 चाहिँ 14 भइसक्यो र म यस वार्डको चाहिँ वडा कमिटीको सदस्य नमस्ते मेरो नाम सुरेश चौधरी इटहरी 14 म चाहिँ वडा वडा कमिटीको सदस्य एकजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सबैमा नमस्कार छ होइन नि मेरो नाम दुर्गा श्रेष्ठ हो म इटहरी 9 अहिले 14 भएको छ हाम्रो वार्ड नम्बर होइन अनि म वार्ड कमिटीको चाहिँ भनौँ न सदस्य अनि यो भनौँ वार्ड नम्बर 9 14 भएको छ र म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी कर्मी हो के भन्नु यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई मेरो नमस्कार मेरो नाम चाहिँ पुष्पा चौधरी साबिक इटहरी 9 प्रतिभा टोल अहिले चाहिँ हाल इटहरी 14 अनि म सङ्घको वडा सचिव साथै वार्ड कमिटी सदस्य पनि धन्यवाद मेरो सबैलाई नमस्कार मेरो नाम चन्दा चौधरी पहिला चाहिँ 9 थियो अहिले 2 टोल मिलाएर मलाई झा साह्रै खुसी लाग्यो एक आपसमा मिल्न खोजेको र अनि म सङ्घको 2 छत्रको हम अपने भाषा बोलो सबके नमस्कार हमर नाम अनारवती चौधरी हम ई भूमिगत कालसँ 32 सालसँ लागल छी जब 46 सालके आन्दोलन सफल भेलै 47 सालमे छिटहा गेलियै हम बड़का गजन सुनने छी ओहिठाम ओहिठाम हमर बाप भाइके हमर सौ ससुरके नेपाली काँग्रेसके आदमीसभ कोनो इज्जत नहि राखि देलकै कहलकै तोर एकटा धी पुतो भाइके एतेक थारू समाजके अगाडिमे आबिके 2 शब्द बोललो तोर इज्जत कतेक रहलो हमरा उठि रहन कहलकै हमरे होशियतसँ आखिरी टाइममे नेपाली काँग्रेसके महिलासभ हमरे बोली सुनिके हमरे होशियत पाबिके ओहोसभ जाय लागलै पछा अगाडि बढ़य लागलै बोलै लागलै कथी कहै छै हमरे देखके तऽ हमरा तखनकर घड़ी हमरा कोनो मनमे दुःख नहि लागलै हमरा पछा कोना ओ मनमे दुःख लागलै हम एक दिन जाके छिटामे ओठाम हम बोलबो केलिए कहलियै एक समयमे हम आबिके बोललियै 2 शब्द अपन थारूक होशियत छियै जे हमर थारू महिला कोइ नहि छै हमहूँ ओतना पढ़ल लिखल नहि छियै तैयो 2 शब्द बोलि दै छियै जे आब छै से
तब बोललिए तो हमरा थारू महिला सब हमरा अपने जात भाई सब हमरा इतना हेला केलके हमरा हेला कट करे तो हमर मरला ससुरो हेला केलके मरला ससो हेला केलके आ जो जीत छले सेकरो आ हमर कथी के जे प्रधान हमरा सके अपने भैंस रहतिए ओकरो हेला केलके आइ कथिला नेपाली कांग्रेस के मौगी सब गाड़ी बैठ के बोलै छै कथिला ने घोगला घरे में छै सब कुछ तो खाने लाले छेबे कर छै ओकरा सके हमरा सब एकटा गरीब पार्टी तो अपन हक अधिकार के खातिर अगाड़ी भाग बोललिए तो आप कथी बेसी नहीं बोलबै अखन नगर कमिटी के सदस्य छियै आ उन बहुत काम कयने अपन वार्ड में तो करते करते कथी कहे छियालीस सैंतालीस साल से करते करते बूढ़ो भेल जाए आ कितना दिन से संगठन सदस्य साथ ठाउन छै नमस्कार सब जन के नमस्कार नमस्कार हमें राजीव चौधरी साबिक के नौ नंबर वाडा कमिटी के अपने वर्तमान उपसचिव वाडा उपसचिव है के कार्यरत छे हमर थोड़े इतिहास से हम तो भर्खर अपने हुर्कल आदमी लगभग आठ क्लास हम पढ़े सर लगभग छप्पन्न सन्तावन साल तीर तखन से दुखीलाल अंकल के एक अर्थ प्रेरणा पाइप के अरुण अरुण प्रोग्राम समय तो तखनी ज्या लगे हमें प्रोग्राम समय इन्वॉल्व यताउति काम साम कर दे वाला है स्वयंसेवक के भूमिका निर्वाह करे वाला काम स्टार्ट कर रे लगभग हम कॉलेज में 2062 साल कॉलेज स्टार्ट कर ले तखने से हमें दुखा अंकल के प्रेरणा से अनेरा शोभ्यू के जो कॉलेज के सदस्य है के भी कार्यरत कर ले अरुण थारू के लगी भी थारू सदस्य कमिटी गठन समय चाहे बहुत रहले अनि त्यस पछाडि हम चाहिँ संगठित सदस्य लगभग 2068 साल में हम प्राप्त करले कते अपन परिचय यते टुंगा में हस्त हमर नाम भेल रामेश्वर चौधरी साबिक कन्द्र लोहनी पुरोटल अंका 14 संगठित सदस्य साबिक 15 नंबर के वडा समिति सदस्य हमर नाम राजकुमार चौधरी वार्ड कमिटी सदस्य नमस्कार सबैलाई मेरो नाम मदन कुमार श्रेष्ठ हाल नौ नम्बर वडा सदस्य भनौँ अब वार्डको सङ्गठित सदस्य भएको 2058 सालमा भएको हुँ सबके नमस्कार हमर नाम जीवत सरदार पेशा से हम रिटायर्ड शिक्षक पाँच सात वर्ष भेल रिटायर भेल र 47 साल से एहि पार्टी में हम आबद छी एक सत्र करीब नगर कमिटी के सदस्यो रही अखन पार्टी प्रति हम प्रतिबद्ध सबैलाई नमस्कार मेरो नाम गंगाबहादुर जोशी वार्ड नम्बर 9 संगठित सदस्य हाल 14 हमर नाम हरिनारायण चौधरी भेलै घर हमर साबिक इठहरी पन्ध्र नै एकम्बा पन्ध्र रहे फेरि इठहरी एकम्बा नौ रहे अखन इठहरी पन्ध्र या वर्ष भेल इठहरी 14 भेलि राधाकृष्ण मन्दिर टोल नरभाषा पेसाके हिसाबसँ पहिला हमहूँ शिक्षक रहिए अखन घरेके काम तऽ ई पार्टीमे कहूँ तऽ हमहूँ विद्यार्थी जीवनसँ लागल छी कि विद्यालयमे शारदा मामीमे पढ़ै छलिए तखन ई पार्टीके काम करि रहल छी राति राति आधा राति तलिक ई पार्टीमे रहिके तालीम कराबै एकदम कुन जनसेना तैयार करैके लागि लाल सेना तैयार करैके लागि ओहिमे खटिए आओर बाहर बाहरसँ आबै कमरेड सबले ओ राति सबके हमरा सब गाड़ो रहिए जबसँ 46 सालमे अयलिए तब ई पार्टीमे खूबसँ लागे लागलिए आओर 48 सालसँ पी एम बनली सङ्गठित सदस्य भेलिए आओर 54 सालमे स्थानीय निर्वाचन भेलै ने स्थानीय निर्वाचन ओहिमे वडा अध्यक्ष पदमे विजय भएके निर्विरोध हमर नाम भूमिनारायण चौधरी और पेशा में हम पहिला सलाई फैक्ट्री में 28 वर्ष जाहिर गेलै और सलाई फैक्ट्री खनार के बंद भेलै बंद भेल गेलै तखने किसान घर के काम करै छियै और राजनीतिक जीवन खास कर के हम 2042 साल से पार्टी के एकटा जनप्रिय संगठन मजदूर संगठन तखने नेपाल स्वतन्त्र मजदूर यूनियन के छलै ओहि संगठनमे हम एकटा भूमिगत टाइममे छलियै आओर तखने पञ्चायतके विरोधमे खनारमे हरेक फैक्ट्रीमे विरोधमे लिखेला जे पञ्चायतके विरोधमे लिखेको सूचना हमरा के सदनलाल आओर सीतारमे तीन जनके हमरा के ओहि कार्यमे विशेषता हमरा के जिम्मेवार देने रहे आओर 2042 साल से संगठन लागि 2046 साल मजदूर संगठन जिल्ला कमिटीके सचिव आओर झन्डै झन्डै 53 साल से हम केन्द्र कमिटीके नेपाल स्वतन्त्र केन्द्र कमिटीके 12 वर्ष सहसचिवमे कार्य रहलिए
और तेकर बाद नेपाल ट्रेडर महासंघ जी फंड झंडे झंडे अखने अखने अंचल कमिटी आर्थिक विभाग प्रमुख तथा दुई कार्यकाल छ वर्ष अंचल कमिटी जी फंड के जन 30 घटक थे वो करके अंचल कमिटी के उपाध्यक्ष तथा आर्थिक विभाग प्रमुख और पार्टी जिला कमिटी के दुई कार्यकाल जिला कमिटी के सदस्य अखने हम खास करके जिला कमिटी के सलाहकार और अखने नेपाल ट्रेडर महासंघ जो मजदूर संगठन के प्रदेश नंबर एक कमिटी के सदस्य छे और अपन बनाए नमस्कार। हमार नाम दुखीलाल चौधरी, घर साबिक इटहरी 9 विशाल चौक, हाल इटहरी 14। हम पेशा से बेरोजगार एक है परले ये सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत ऐसा मरा बड़ा खुशी लागल कि आई 9 नंबर साबिक 14 नंबर के समायोजन 15 नंबर समायोजन भाके 14 नंबर जे भेले ऐसे आयकरी परिचयात्मक कार्यक्रम अंतर्गत लागे हमर सबके एकटा सामाजिक विकास मानवीय विकास के भी शुरुआत भावनात्मक रूप से नहीं मात्र नहीं भाके व्यवहारिक रूप से भी अगाड़ी बढ़ते कहके एकटा आशा रखने छे नहर ए पार वे पार नहीं छुटिया के हमरा सब आब एक भेलिए तरह अई परिचय कार्यक्रम में अखिना परिचयात्मक हिसाब से ऐतिहासिक हिसाब से बहुत अग्रज सब भुक्तभोगी अग्रज सब के हमरा सब बीच में माझ में पलिए इहो एक ऐतिहासिक जानकारी बड़ा गौरवमान्य क्षण छे। अब हम अपन ओत पुराना इतिहास जीवन तो नहीं है लेकिन फिर भी जे जब से हम लागल तब से एने कर हम कुछ एक जानकारी कराबे चाहे कि 2034 साल में खास करके इटहरी के श्याम भाई गौतम के भांजा तीर्थ कोईराला बैरवन के जे उसब 8 क्लास में पढ़े छे तखने हमें 34 साल में जागीर रे घुलाक पर पोस्ट ऑफिस पर अखिना 2 नंबर वार्ड में छेबे करे से श्री पोखरेल ऊ दुईटा फुचे सब हमरा ई कम्युनिस्ट प्रति आस्था जगावे वाला प्रेरणा बड़ू गंभीर शब्द से हमार मुटू में छोल के जे ई मालिक कहने शब्द कि पृथ्वी पर तोरा सबके बाप दादा हिलो मैलो पर खुटा कुहा के घाम पर अपन छाला डड़ा के तब ई पृथ्वी से उत्पादन अन्न उत्पादन करके ओकरा जग्गा धनी कहलाने व्यक्ति के खियाबे छे ओकर जीवन यापन निर्वाह करे ला सहयोग पुगाबे छे आ उ सब उल्टे मालिक ओकरा सबके कहे पड़े छे ओकर सबके पाछू जा पड़े छे तो तोरा सबके बाप दादा मालिक तोरा सब मालिक की उ मालिक ई बात हमार मोटू पर बड़ी कस के बुझले तखने राजनीति के रतक ने जाने सवाल एतबेक रहे कि अखने मोही हम मोही किसान के बेटा रे मोहियो ने मोही हमार काका के नाम में माइलो काका के नाम में रहे हमार बाप के तो अब एक सगोल में रहे मोही तर काका के नाम में लिखल गए वही सहा से हमार ये राजनीतिक जीवन विचार खास करके कम्युनिस्ट विचार पर आबद्ध हमार शुरुआत वही सहा से भले कि मोही लिखाने से जगह कोई कमाबे से ये दही जमा लाइ पृथ्वी तो नहीं चाहिए अगर ये सबके बस चलती सामान थी जमींदार सबके बस चलती है तो हवा में भी पुर्जा बनाती है घाम में भी पुर्जा बनाती है घाम में भी अपन अधीन में करती है तर उस कहाँ कर सके थे ते लैके इस शब्द से हमार मोटू में बीजले तखन से तखने हम जागीरे जीवन जिए जब 37 साल के जनमत संग्रह भेले तो उ वार्ड पर एकटा साथी आयने छे उपरलोक भए गेले लक्ष्मणलाल सरदार के हमू ख्याल ख्याल में नीलो भिला बिला भीड़ के नीलो जे कि बोदल के बिला भीड़ करके और कुछो ज्ञान नहीं सिर्फ ई सामान पहिलो चिन्ह सामंती सबके छे जमींदार के छे शोषक सबके छे नीलो सर्वहारा श्रमजीवी गरीब सबके पक्षधर के छे कह के भिड़ल रहे तेकर बाद हम 50 साल तक में अपन जागीर के रिजाइन दिलिए 50 साल में और 50 साल से अनवर 47-48 साल से तक राजनीतिक जब बहुदल एले बहुदल में कर्मचारी होते हुए पर भी पार्टी पक्ष में काम करते जनप्रतिनिधि सबके हरेक निर्वाचन में साथ सहयोग देते ये लिए 50 साल से अनवरत 66 साल तक वार्ड कमिटी सचिव भैके ओसा प्रमुख भैके चलेलिए तेकर बाद 2 कार्यकाल नगर कमिटी सदस्य अखने 2 कार्यकाल पूरा भए गेले क्षेत्र कमिटी सचिवालय सदस्य जनवर्गीय संगठन के हक में 65 साल में
भूमि अधिकार किसान संघ केंद्रीय अध्यक्ष तेकर बाद 68 साल से अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्र कमिटी सदस्य भैके कार्यरत भैके अखिन तक कार्य अपन पार्टी जीवन यहाँ जीवन में देते जा रहा छे। हमार एकटा मान्यता छे कि जीवने संघर्ष, संघर्षे जीवन। यदि जीवन से संघर्ष नहीं करे छे तो जीवन के कोई अर्थ नहीं छे। यदि संघर्ष करते, संघर्ष नहीं करते जीवन मात्र सोचते तो जीवन के कोई अर्थ नहीं छे। जीवन से तर संघर्ष नहीं करते तो फिर भी वो जीवन के कोई अर्थ नहीं छे। कहके इतना अपन मूल मंत्र के साथ अपन वार्ड में पार्टी के हर एक गतिविधि अक्षरश पालन करते अगाड़ी बढ़ते जा रहा छे। हमार परिचय एतुक है, इतिहास के संबंध में एतुक है। अब कि कहब ऐसा तो हमरा सबसे बहुत भुक्त भूमी जेकि जरा स्थापित करल के जे उत्पादन जे विचार के लागू करल के उ सब महामहिम सब ऐसा है। इस सब के अगाड़ी हम सब बचे छे। एतवे कहे तो हम अपन परिचय ऐसा कर। धन्यवाद। निर्वाचन नभएको आज 19 वर्ष बितेका छ। जो हिजो जन्मेका थिए आज ऊ ब्याचलर पढ्दै छ। जब बहुदल आयो ए जब यो के अरे निर्वाचन भयो 54 त्यहाँ जन्मेकाहरू आज 20 वर्षका भएका छन्। तिनीहरूको विचार कस्तो छ, कहाँ छ? हामीले शत्रुलाई हामी चिन्छौँ तर उसको दाउपेचमा यदि हामी ध्यान दिएनौँ भने हामीले यो इतिहास अहिले हामी छाती थुप्रो फुलाएर भनिरहेका छौँ कि 9 हाम्रो एकदम लाल किल्ला, यहाँ पनि ना लाल किल्ला, हामी दुइटै लाल किल्ला मिलेका छौँ, हामी बहुमत अत्यधिक बहुमतले विजयी हुँदैछौँ भनेर गौरव गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले शत्रुको दाउपेच, उसको छक्का पन्जा र जादु मन्त्रलाई पनि ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले इमान्दार सिपाही, हामी पार्टीका इमान्दार सिपाही हौँ। हामीले राज्यले निर्देशित गरेका सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गर्दै, चाहे शङ्कर कमरेडले भने जस्तो, चाहे त्यो वार्डमा के अरे वार्ड अध्यक्ष त्यहाँ, चाहे त्यहाँको वार्ड अहिले जे होस् मानसिक रूपले विभाजित भए पनि व्यवहारिक रूपले हामी विभाजन नहौँ, हामी वस्तुगत हिसाबले विभाजित नहौँ, हामी सतहीमा होइन व्यवहारिक रूपमा हामी एकता बनौँ र त्यताको भए पनि यताको भए पनि यता र उता नछुट्याइकन हामी एक हौँ, एकै ठाउँको हौँ भन्ने मनोभावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी बढ्छौँ, 9 बढ्छ, साबिक 9 बढ्नुपर्छ, साबिक 15 बढ्नुपर्छ। यो पारी र त्यो पारी हटाइकन हामी एक हौँ भनेर आज कार्यक्रमको मूल औचित्य पनि यही हो र यसरी एक बनाउनको लागि आजको परिचय कार्यक्रम फेस टु फेस भएर गरौँ भन्ने भावनाको साथ यो कार्यक्रम आयोजना भएको। धेरै बोल्न चाहन्न किनभनेदेखि हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो कमिटीको मान्यता प्राप्त भइसकेपछि र माथिल्लो सर्कुलरका निर्देशन अनुसार हामी चल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही अनुसार सबैजना हामी अगाडि बढौँ भन्ने म यहाँहरूसँग पक्ष निवेदन पनि गर्दै म मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। मिथुलाल चौधरी, अब हमरा सबके मोटामोटी जानकारी के सवाल में पार्टी के गतिविधि विगत के जे वार्ड छूटल छे ओकर बारे में दुटा कमरेड से शायद प्रश्न भैया हेतु